नाम अहमद समी है और आज मैं पहला अपना व्लॉग बनाने लगा हूँ। तो मेरा आज का प्रोग्राम था हाइकिंग का और इस टाइम इस्लामाबाद में सनराइज़ का वक्त हो चुका है और मैं सुबह सुबह अभी निकल रहा हूँ। अक्टूबर का महीना है ये, तो चलते हैं, लेट्स गो। ओके जी, अब मैं यहाँ से ऊपर जा रहा हूँ और देखते हैं आगे क्या देखने को मिलता है। वैसे काफ़ी पत्थर हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस तरह का होगा, तो आगे आगे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख रहा हूँ जो अच्छी है, हर दरख्त पे अल्लाह ताला का नाम लगा हुआ है। यहाँ पर ये इस तरह के स्टेप्स बने हुए हैं और पिछले 5 मिनट से मैं ऐसे ही चल रहा हूँ, स्टेप्स ही चढ़ रहा हूँ। अभी देखो आगे क्या क्या निकलता है। सूरज की रोशनी भी थोड़ी तेज़ हो गई है, अच्छा लग रहा है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मेरी बैक साइड पे सूरज है और इस टाइम ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। मैं अपर भी साथ नहीं लाया और इस ठंड के साथ थोड़ी सी ये धूप अच्छी लग रही है। यहाँ पे एक शॉर्टकट मिला मुझे, मैं सोच रहा हूँ इसी को अडॉप्ट किया जाए। ये देखो, और एक्चुअल वे ये है, तो इधर से चलते हैं।
तो जी जनाब, अभी हम थोड़ा हाइट पे आ गए हैं। ये बैक साइड पे आप देख सकते हैं, बड़ा प्यारा सा सीन नज़र आ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, ज़रा जूम करके। ये देखें जी, ये बड़ा प्यारा सीन नज़र आ रहा है जी। मैंने यहाँ पर एक चीज़ देखी है, वो ये कि आप लोग जब भी आए ना यहाँ पर, काइंडली अपने साथ एक बैग लेके आया करें, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि जगह जगह पर लोगों ने कचरा गिराया है। और आप इस टाइम देख सकते हैं, जैसे जैसे मैं हाइट पे जा रहा हूँ, ज़्यादा मतलब सफाई नज़र आती है। तो शुरू में मैंने थोड़ा सा देखा है यहाँ पर कचरा वगैरह है, तो आप कोई बैग वगैरह साथ ले आया करें, उसमें आप डाल दिया करें अपना जो भी सामान वगैरह होता है, तो आपके लिए ज़्यादा इजी रहेगा जी। मैं यहाँ पर हाइट पे आ गया हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठंडक का एहसास है, ताज़ा हवा है, और पेशेंट्स के लिए ये जगह ठीक नहीं है। अगर कोई दिल का मरीज़ है या कोई हड्डियों का मरीज़ है तो उसके लिए जगह बेहतर नहीं है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आप हड्डियों के मरीज़ हैं या आपको कोई रेस्पिरेटरी इशू है तो आप यहाँ पर नहीं। पानी अपने साथ ज़रूर लाएं यहाँ पर, क्योंकि पानी की बहुत तलब होती है। मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत प्यारा सीन है यहाँ पर। ये देखें, हर तरफ ग्रीनरी है। ये देखें मेरी बैक साइड पे आपको सूरज नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा सीन है ये। तो जो हमारी तरह यंगस्टर्स हैं उनका यहाँ पर आना बनता है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा आप एक बार ज़रूर आएँ जी। अभी मेरी तो हालत हो गई है पूरी, और मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने साथ कोई ट्रॉफीज़ वगैरह या कुछ हल्का सा मीठा ज़रूर लाना चाहिए, क्योंकि इन केस ऑफ के आपका अगर शुगर लेवल डाउन हो जाता है तो बहुत मुश्किल हो सकती है आपको। तो साथ में कोई कैंडीज़ वगैरह टॉफ़ीज़ वगैरह लाया करें, तो उससे जो होगा ना, इन केस कि अगर आपका शुगर लेवल डाउन जाता है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। पानी का मैं बार बार कहूँगा, पानी अपने साथ ज़रूर लाना है।
ये जी अब बहुत ज़्यादा हार्ट शुरू हो गई है, और उसके बाद जो है आपको बहुत कम ही लोग नज़र आएंगे यहाँ पर, क्योंकि कुछ हाइट के बाद लोगों की बासी हो जाती है। खैर मेरी भी हो रही है, मगर आपके लिए जा रहा हूँ, सिर्फ आपके लिए। अगर आपने लाइक और शेयर ना किया और सब्सक्राइब ना दिया तो नेक्स्ट व्लॉग नहीं बनेगा ऐसे। अभी मैं ये व्लॉग जस्ट आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि थोड़ी सी इंटरटेनमेंट का ज़रिया बन सके आपका, और आपको भी पता लगे इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में आपके क्या क्या जगहें हैं। तो मैं इसी तरह से कंटिन्यूसली बनाता रहूँगा, आपने बस लाइक करना है, शेयर करना है, यही चाहिए आपसे। दिल करे तो सब्सक्राइब दे देना। ये देखें जी, ये इस्लामाबाद का व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से, पिंडी और इस्लामाबाद, ये मंज़र है आप देख सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखें जी, ये है जी इस्लामाबाद। मैं इस टाइम इतनी हाइट पे हूँ, अभी इससे भी ऊपर जा रहा हूँ, तो देखते हैं आगे क्या दिखता है। तो मैं जैसे जैसे हाइट पे जा रहा हूँ वैसे वैसे एक्साइटमेंट भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये आप बैक साइड का सीन देख सकते हैं। तो ये देखें, बड़ा प्यारा मंदिर देखने को मिल रहा है, प्यारा सा सीन नज़र आ रहा है। तो अभी एक्साइटमेंट मेरी बढ़ती है, तो मैं और ऊपर जाने का सोच रहा हूँ। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे ही आपको इसे प्यारे मतलब सीन देखने में मिल सकते हैं। ये देखो यार, थोड़ी सी रेस्ट ली है, उसके बाद देखते हैं कि और ऊपर जाना है कि नहीं। वैसे जाना तो पड़ेगा, तो हिम्मत नहीं आ रहेंगे जाएंगे। मेरा वैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम आना होगा, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता ट्रेल 3 इतना बड़ा होगा, और हाइटेड भी है मतलब बहुत ज़्यादा, देखते हैं। ये देखो गाइस, मैं पिछले 2 घंटे से चल रहा हूँ और बहुत हाइट है। ये देखो ये, और अभी हाइट दिखाता हूँ, ये देखो अभी भी कंटिन्यूसली चलना पड़ रहा है, क्योंकि अभी तो हाफ ट्रैक हुआ है। यार मुझसे नहीं होना बना वो लोग, इतनी हाइट है। ये देखो, ये देखो अभी भी, यार मेरा तो दम ही निकल गया, मेरे से नहीं होना यार, मैं वापस जा रहा हूँ। नहीं यार इतना चला मैं तो आगे भी जाऊंगा। लाइक और सब्सक्राइब कर देना। वैसे अगर नीचे देख के चलते रहे ना तो मालूम नहीं होता, और अगर हाइट पे देखें तो दम निकल जाता सारा। तो मैं नीचे देख के ज़्यादातर चल रहा हूँ, ताकि मुझे फील ही ना हो कि मुझे और कितनी हाइट पे जाना है। सीन तो देखने को मिल रहा है बहुत, मगर मेरी हालत पतली हो गई है। ये देख सकते हैं आप, बहुत प्यारा व्यू आ रहा है।
बहुत हो गई है यार, एक बार तो गिर चुका हूँ, अभी उम्मीद करता हूँ आगे नहीं गिरूँगा। कोशिश है कि बस ये एक बार ट्रैक मुकम्मल कर लूँ, क्योंकि मैं पहले कभी हाइकिंग पर आया ही नहीं, तो ये ट्रैक तो मुकम्मल करके जाऊँगा। चोट तो खैर कोई नहीं आई, बच गया हूँ, मगर यहाँ पर अगर कोई गिर गया ना और उसे लग गई सही वाली, तो उसे 4 से 5 दिन भूलेगी नहीं। ओके जी, ये अब आई होप कि हमारी लास्ट पुश होगी और उम्मीद करता हूँ अभी हाइट तक पहुँच ही जाएँ, क्योंकि ये बताया किसी ने मुझे अभी कि इससे ऊपर जो है ना ट्रैक फिनिश हो रहा है, तो अभी स्टार्ट कर दिया मैंने लास्ट पुश। अगर ये पुश ना कामयाब हुआ ना तो बस मैं हार मान जाऊंगा, मुझसे नहीं हो पाएगा। फाइनली मुझे एक जूस वाला नज़र आ गया, वो सामने बैठा, तो मैं उससे कुछ लूँगा अभी जूस वगैरह, तो मेरी तो ताकत ही ख़त्म होगी जिस्म की। पता नहीं फाइनल पुश कब ख़त्म होगा। तो अभी जो हूँ मैं लास्ट जो हाइट है इसकी उसके करीब करीब पहुंच चुका हूं, मगर ये मुझसे नहीं होगी, तो मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाता हूं। ये आप ट्रैक देख रहे हैं, ये वाला, तो ये जो है ना ऊपर ये लास्ट पीक है, तो इसका रास्ता ये नीचे से जा रहा है। देखिए कुछ लोग जा भी रहे हैं हिम्मत वाले, तो मेरी तो बस हो गई है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस्लामाबाद का व्यू नज़र आ रहा है, कैमरा फोकस कर ले जी। ये तो अभी जो है मैं वापस जाने की तैयारी सोच रहा हूँ कि यार वापस जाया जाए, क्योंकि अभी और नहीं होगा मुझसे। साथ जुड़े रहने के लिए शुक्रिया, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, बहुत मुश्किल से पहुँचे यहाँ तक, तो थोड़ा सा आप भी मतलब वो रेड बटन को दबा दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।